हाँ तो देखिए, जीसी क्लासेज की आज की एनवायरमेंटल साइंस के यूनिट 10 की जो क्लास चल रही थी उसमें आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो देखिए, जो पिछली क्लास थी हमारी यूनिट 10 के रिगार्डिंग, जिसमें हम बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंसेज एंड रिपोर्ट्स ऑन एनवायरमेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वहाँ पर हमने जो पिछली क्लास में देखा था कॉन्फ्रेंसेज एंड रिपोर्ट्स ऑन एनवायरमेंट, यानी यूनिट 10 के अंदर इस पार्ट पे हमने देखा था कि किस तरह की एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या क्या रिपोर्ट कार्ड जारी हुए हैं, उन सब के बारे में देखा था, जिसमें हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर जो सबसे पहले बात की थी UNHE, जिसमें हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने 1972 के अंदर देखा कि हमें एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, एनवायरनमेंट को जिस तरह से क्षति पहुंच रही है उस क्षति को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग जो स्टॉकहोम सम्मेलन चलाया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन चलाया गया था 1972 के अंदर, 1972 के अंदर जो स्टॉकहोम सम्मेलन था स्वीडन के अंदर जो चलाया गया था, इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा गया, स्वीडन के अंदर जो चलाया गया था वहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहली बार वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखा जाए तो कुछ एनवायरनमेंट के यहाँ रिगार्डिंग यहाँ पर बात हुई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे थे उन सभी इशू के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। और यहीं से जब बात निकल के आई कि इस स्टॉकहोम सम्मेलन से जब बात निकल के आई कि इसके ठीक 20 ईयर बाद, 20 साल बाद में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको हमने UNCD के नाम से जाना गया। UNCD एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसको हमने आगे चल के इसी को अर्थ समिट के नाम से जाना, इसी को रियो समिट के नाम से जाना गया। तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एनवायरमेंटल इश्यूज की जब बात हुई तो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए जब बड़ा कदम उठाने की बात आई तो 1992 के अंदर ये सबसे बड़ा कदम था जिसको हमने पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना। इस सम्मेलन में यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल के आई, यहीं से एक तरह की शुरुआत हुई थी एनवायरनमेंट को बचाने की, जो शुरुआत थी यहाँ से। इस UNCED को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, इसमें वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज वगैरह ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखा गया कि इस सम्मेलन से जिसको हमने अर्थ समिट या रियो डी जनेरियो में सम्मेलन हुआ जिसके कारण इसको रियो समिट के नाम से जाना गया, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर तैयार किए गए थे उन डॉक्यूमेंट को सबके सामने रखा गया। उन डॉक्यूमेंट को जब सबके सामने रखा गया तो वहाँ पर हमको बताया Volume 1, Volume 2 और Volume 3 के रूप में बताया। तो वहाँ से पता चला इस UNCED से क्या क्या बातें निकल के आई थी हमारे सामने। यहाँ से बातें निकल के आई थी कि इसके अंदर बातें रखी गई रियो डिक्लेरेशन, इन्होंने बताया कि रियो डिक्लेरेशन की बात की थी जिसके अंदर 27 प्रिंसिपल्स थे, इस बात को भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ये भी बात की कि इसी सम्मेलन अर्थ समिट के अंदर किसकी बात की गई, एजेंडे की बात की गई जिसको हमने एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। सही बात है, यानी कि एजेंडा 21 की बात की गई। यहीं से क्या बात की गई कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो इनका भी डिस्कशन किया गया। जो भी UNCED के अंदर ये सब चीज़ें जो निकल के आ रही थी आपके सामने, जिसको रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा, स्टेटमेंट के नाम से जाना गया, इसी तरह से एक चीज और थी यहाँ पर, रियो कन्वेंशन। ठीक, तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के सामने रखी थी। हमने कहा था कि ये सब चीज़ें जो आपके सामने रखी गई थी यहाँ पर, ये किस तरह की रखे गए थे यहाँ पर, नॉन लीगल, मतलब कि इन जो भी कंट्री UNCED के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, UNCED के अर्थ सम्मेलन के अंदर जब कंट्रीज मौजूद हुए और कंट्रीज जो भी इसको साइन कर रहा था UNCED की कॉन्फ्रेंस के अंदर, आगे जो जो यहाँ पर चीज़ें रखी गई उनके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर UNCED के अंदर किसी भी इन चीज़ों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया किसी भी कंट्री को कि आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाध्य है आपको कि आप इनको मानो ही मानो। हाँ, ये जरूर था कि अगर इन सब चीज़ों को आप अपने कंट्री या स्टेट के अंदर अपनाते हो तो वहाँ पर एनवायरमेंट के लॉस को कम किया जा सकता है, एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें कैसी थी, नॉन लीगल थी, एक तरह के वॉलंट्री थे। जबकि रियो कन्वेंशन की जब बात करते हैं अपन, रियो कन्वेंशन में हमने पहले कह दिया UNCCD किसके रिगार्डिंग था, डी का मतलब था डिजर्ट से रिगार्डिंग, कि जिस तरह से मरुस्थलीकरण हो रहा है उस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए
रोकने के लिए कन्वेंशन चलाया गया जिसको रियो कन्वेंशन या UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए UNCCD की बात की थी। तो जब कभी आपसे ऑप्शंस में कभी देखे पूछ लिया जाए कि अर्थ सम्मेलन का संबंध किससे है, तो अर्थ सम्मेलन का संबंध इन सभी तथ्यों से जो आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। इसी अर्थ सम्मेलन के अंदर आपको ये भी पता चला कि आपको यहाँ से पता लगा कि कुछ मल्टीलेटरल ट्रीटीज थी, कुछ क्या थी, मल्टीलेटरल ट्रीटीज थी, जैसे कि दो मल्टीपल ट्रीटीज थी। मेनली रूप से दो मल्टीपल ट्रीटीज के अंदर जो आप बात कर रहे थे, इसमें एक तो थी UNFCCC और दूसरा यहाँ पे था आपका CBD, इसकी भी हमने बात की थी, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि ये सब चीज अर्थ सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये कब हुआ था, 3 से लेके 14 जून के बीच में हुआ था, बराबर बात है, 3 से लेके 14 जून के बीच में हुआ था। हमने ये भी बताया कि UNFCCC के ऑफ कंट्रीज जो भी UNFCCC को साइन कर रहा था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, तो वो UNFCCC की जो आपका था, ये भी इसकी जो तारीख थी साइन करने के लिए कंट्रीज के लिए, वो थी 12 जून 1992, यानी कि 3 जून से 14 जून का ये बीच का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी चीज़ों का काम किया गया। उन बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके सामने जैसे यह गया 12 जून 1992 में, यहाँ पर भी क्या हुआ, 1992 में साइन किया गया और CBD जो कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है इसका जो इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव होने की तारीख भी हमने क्या बता दी थी, 1993 के अंदर, 93, बिल्कुल सही बात है। एजेंडा 21 की भी बात की रही थी कि भाई ये एजेंडा 21 भी लाया गया, ये कब लाया गया था भाई, इसकी बात की थी हमने 13 जून 1992। तो इतनी सारी डेट है, जो बहुत सारी डेट है जो 3 से 14 जून 1992 के बीच में ये सब बातें हो गई थी आपकी, और वही सब चीज़ें यहाँ पर है। तो एक तरह से जब आपको अर्थ सम्मेलन का पूछ लिया जाए कि अर्थ सम्मेलन का संबंध किन किन चीज़ों से है, तो आपके सामने इनका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमारे दिमाग में अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो हम बहुत ईजिली इसका MCQ का क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर सकते हैं। हमने यहीं से बताया कि UNFCCC से ही जब इस तरह के जो कंट्रीज ने इसको साइन किया था, साइन करने के बाद में जो कंट्रीज एवरी ईयर जो मीटिंग हो रही थी इसकी, पर हर साल जो मीटिंग हो रही थी उसको कॉप का नाम दिया गया, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर जो कॉप थर्ड तीसरे साल में जो हुआ क्योटो जापान के अंदर जो हुआ था, इसी से क्या निकल के आया था, क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था, ये लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपस में क्या हो रही है, कोरिलेट हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि कोरिलेशन जरूरी है यहाँ पर, और इस तरह का जो अर्थ सम्मेलन या जो रियो सम्मेलन था, ये पहला सम्मेलन था, प्रथम सम्मेलन बोल सकते हैं इसको, प्रथम अर्थ समिट बोल सकते हैं, प्रथम रियो समिट बोल सकते हैं, UNCED के नाम से जाना गया, ठीक है। कब की बात थी, 1992 की बात थी। अब जब बात करते हैं अपन कि भाई कि यहाँ पर आपने अर्थ समिट ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हो गया, तो क्या उसके बाद दोबारा ये अर्थ सम्मेलन हुआ ही नहीं? जी नहीं, इस अर्थ सम्मेलन का बार बार आयोजन किया गया, जब भी इसका टाइम पीरियड आया उस टाइम पीरियड पे इसका आयोजन किया गया। और इस तरह का जो अर्थ सम्मेलन का जो आयोजन हुआ, उस आयोजन की जो भी है यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन की, वो जो भी दिनांक या जो साल है, उन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अब जो हमारी आगे की जो क्लासेज जो यहाँ से शुरुआत होने वाली है, उन सब चीज़ों में हम किन को फोकस करेंगे, हम एक तो ये देखेंगे कि इस अर्थ सम्मेलन के बाद में कौन कौन से सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस 92 के सम्मेलन के बाद में जो कुछ डेट्स बाहर निकल के आए, उन डेट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो इन डेट के अंदर जब बात करते हो आप, तो सबसे पहला आया आपका 1997 में भी एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, 1997। तो अब एक बात बताइए, इसको नाम क्या दोगे आप, नाम क्या देगी अपन ने कह दिया हाँ भाई कि पृथ्वी सम्मेलन या रियो समिट हुआ, भाई कब हुआ, 1997 में हुआ, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान रखना, इस सम्मेलन को Rio+5 के नाम से भी लिख दिया जाता है बहुत बार, या इसको नाम दे दिया जाता है यहाँ पर, इसी का दूसरा नाम रख रखा है Earth+5। तो ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, केवल रियो समिट या अर्थ समिट बोला जाए या UNCED बोला जाए, तब तो ये बात कर रहा है 1992, 3 जून से लेके 14 जून की ये यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे,
बराबर बात है, ठीक है। और अदरवाइज 97 की बात कर रहा है जिसमें आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक, इसके 5 साल बाद में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसको रियो प्लस 5 या अर्थ प्लस अर्थ समिट 5 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये रियो समिट या अर्थ प्लस 5 के नाम से बहुत बार ऑप्शंस में दे दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये किसकी बात कर रहा है, 92 से लेके 5 साल बाद होने वाला सम्मेलन, इसकी जगह क्या थी, न्यूयॉर्क। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। और अगर इसकी तारीख वगैरह के, अगर थोड़ा सा तारीख वगैरह का अगर आप ध्यान रखना चाहो तो आप रख सकते हो, 23 जून से लेके 27 जून 1992 के अंदर इस रियो प्लस 5 या अर्थ 5 प्लस का आयोजन किया गया था। बराबर बात है, तो कहने का मतलब ये हुआ रियो प्लस 5 या अर्थ प्लस 5 है, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ, ये पृथ्वी सम्मेलन था, लेकिन ये पृथ्वी सम्मेलन कौन सा था, प्लस 5, जबकि इसको क्या बोलोगे, केवल अर्थ समिट। अर्थ समिट बोले तब तो 1992, अर्थ समिट प्लस 5, रियो प्लस 5 बोले तो 1997 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो अर्थ समिट हुआ प्लस 5 वाला, जो आपका जो न्यूयॉर्क में हुआ, इस अर्थ समिट को इसका पर्पज क्या था, तो आप सोच के देखिए इसका पर्पज क्या हो सकता है। पर्पज यही होगा कि जो आपने यहाँ पे इन सब चीज़ों को, जो आपने सबको बनाया है, इन सब चीज़ों को जो आपको टारगेट रखा है, इन सब का फुलफिलमेंट कितना हो रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कितना हो रहा है, वो भी तो देखा जाए। तो वो कैसे देखा जाए कि अर्थ प्लस 5 में देखा गया कि जैसे ये आपका एजेंडा 21 हुआ, इस एजेंडा 21 के ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उसका रिव्यू किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि इस 1992 के 5 साल बाद के अंदर आपको इस एजेंडा 21 के ऊपर क्या किया गया भाई, रिव्यू किया गया। एजेंडा 21 क्या है, इसको हम अपनी आगे आने वाली क्लासेज के अंदर अच्छे से समझेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखो कि एजेंडा 21 का जो मतलब है वो किससे रिलेटेड है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में बातचीत कर चुके हैं कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए हुए सभी कंट्री का विकास करना, सभी कंट्री का विकास हो, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो और सभी लोगों का विकास हो, तो इसको बोलते हैं सतत विकास, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका एजेंडा 21, ठीक है। तो बस इस ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजेंडा 21 बनाया गया था, इस एजेंडा 21 के अंदर कितना इम्प्लीमेंट हुआ, उस इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू कहां पर किया गया, इस रियो प्लस 5 या अर्थ प्लस 5 के सम्मेलन के अंदर इसका रिव्यू किया गया। सही बात है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इस तरह का जो यहाँ पर रखा गया क्राइटेरिया, इन लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा, रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। यूपीएससी के पेपर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके ऊपर रिव्यू कब किया गया। ध्यान रखना एजेंडा 21 आया कब, इस यूएनसेड के डेट के साथ आया, कब आया, 13 जून 1992 के साथ। इसके ऊपर जो कामकाज हुआ, उस इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके ऊपर कितना रिव्यू है, वो रिव्यू चेक किया गया कहाँ पर, 1997 के अंतर्गत। यानी 1997 के अंतर्गत अगर रिव्यू कर दिया जाए तो इससे पता लग जाएगा कि अर्थ आपका एजेंडा 21 है, इसके ऊपर कितना काम हुआ है या इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से क्या होगी, क्लियर की जा सकती है। अब देखिए इसके जब बात करते हैं हम कि 1997 के बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट ईयर था 2002, यानी क्या बोलोगे आप, 1992 के ठीक 10 साल बाद में, 1992 के ठीक 10 साल बाद में आपका जो सम्मेलन हुआ उसको क्या बोल दिया, रियो प्लस 10 या अर्थ समिट 5। यानी अगर ऑप्शन में आपको रियो प्लस 10 लिख दिया जाता है या क्वेश्चन में आपको अर्थ समिट प्लस 10 लिख दिया जाता है, तो कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 2002 की बात कर रहा है, सन 2002 की बात कर रहा है कि सन 2002 के अंदर जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ उसको रियो प्लस 10 या अर्थ समिट 10 के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रियो प्लस 10 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ था जॉन्सबर्ग, ठीक है, इंपॉर्टेंट जगह है, एग्जाम पर्पज से पूछा हुआ क्वेश्चन से कि जॉन्सबर्ग के अंदर जो आयोजन हुआ था वो कौन सा रियो सम्मेलन था आपका, 2002 का सम्मेलन था, रियो प्लस 10 था, वो जॉन्सबर्ग में हुआ था। अगर इसकी डेट को अगर आप ध्यान रख सकते हो तो इसकी डेट थी 26 अगस्त से
4 सितंबर 2002 तो 2002 की जो ये था इस डेट पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन वगैरह चलता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए। तो उसी हिसाब से क्या हो गया, ये आपका 26 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2002 तक हो गया। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने पहले 5 जोड़ा तो रियो प्लस 5 हो गया, आपने फिर 10 साल जोड़े इसके अंदर तो रियो प्लस 10 हो गया, जिसको हमने जॉन्सबर्ग। तो भाई अब बताइए आपको इसका पर्पज क्या होगा, इस रियो प्लस 10 है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं आपको, जितना रियो प्लस 5 है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रियो प्लस 10 है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया वो आपका रियो प्लस 10 पूछा गया, ठीक है, जॉन्सबर्ग में हुआ। तो इसका पर्पज क्या हुआ भाई, पर्पज ये हुआ कि आपने एजेंडा 21 लेके आए, एजेंडा 21 लाने के बाद में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ उस इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू कर दिया, और एजेंडा 21 पर इम्प्लीमेंट होने के बाद में क्या प्रोग्रेस हुई उस प्रोग्रेस का भी तो रिव्यू किया जाना चाहिए। यहां से आपने देखा कितना काम हुआ, जितना काम हुआ है उस काम के बाद में कितना और काम करना है उसकी प्रोग्रेस जो देखनी है वो कहां पर देखी गई थी, आपकी 2002 में देखी गई थी, जिसके लिए आप कह सकते हो कि यहां पर भी रिव्यू किया गया, रिव्यू प्रोग्रेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। येलो साहब एजेंडा 21 के अंदर जो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे थे उन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस प्रोग्रेस के बारे में जो रिव्यू किया गया था वो रिव्यू कहां पर किया गया था, 2002 की इस रियो प्लस 10 सम्मेलन के अंदर वहां पर किया गया था आयोजन, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड है, ध्यान रखने की जरूरत है, जो आपके सामने लिखा है उतना ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। रियो प्लस 10 जो 2000 था ये दूसरा जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, ये 2002 इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है भाई। कारण ये हुआ कि जो एजेंडा 21 था, एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है भाई, एजेंडा 21 रिलेटेड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो इसको क्या किया गया यहाँ पर, इसको ये किया गया कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन ने 2000 के अंदर, समझ लीजिए समझने की बात है, यूनाइटेड नेशन ने क्या कर रखा था कि सन 2000 से लेके 2015 के लिए कुछ गोल डिसाइड किए थे, ध्यान रखने की बात है। यूनाइटेड नेशन ने सन 2000 से लेके सन 2015 तक के लिए कुछ गोल डिसाइड किए थे, ठीक है, और उन गोल को एक नाम दे रखा था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ध्यान रखना, आज के आप 2000 के आसपास के जब आप न्यूज़पेपर वगैरह कभी देखे हो किसी ने, तो सन 2000 के आसपास के जो न्यूज़पेपर थे उन न्यूज़पेपर में मीडिया के अंदर इसकी बात हुआ करती थी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन चाहता था कि जितने भी वर्ल्ड के जो कंट्रीज वगैरह हैं उन सब के कुछ गोल होने चाहिए, इतने बहुत सारे गोल डिसाइड किए गए जिनको 2015 तक अचीव किया जाए। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, गरीबी, भूखमरी, इन सब चीज़ों को सभी गोल डिसाइड किए गए थे, उन सबको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से दिया गया था 2000 से लेके 2015 तक, सही बात है। तो क्या हो गया था कि अब यूनाइटेड नेशन को जब लगने लगा कि यार अपन तो बात कर रहे हैं यहाँ पर 92 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो क्या हुआ कि जब वर्ल्ड के सभी कंट्रीज इस सन 2000 के से मिलेनियम इन गोल को अचीव करने के लिए जब वो पीछे पड़ गए कि हमारा भाई सबका क्या होना चाहिए, गोल पूरा होना चाहिए, कैसे भी पूरा हो, तो इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के चक्कर में एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया था। तो उस एनवायरनमेंट के लॉसेस को बचाने के लिए, उस एनवायरनमेंट के लॉसेस को बचाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इस 2002 के अंदर, इस 2002 के अंदर एजेंडा 21 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उनको किसके साथ मिक्स कर दिया गया, MDG के साथ, क्योंकि ये तो डिसाइड था यूनाइटेड नेशन ने 2000 से 2015 तक ही डिसाइड कर रखा था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, लेकिन साथ में किसके इंक्लूड कर दिया गया, एजेंडा 21 को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के साथ इंक्लूड कर दिया गया, कब, 2002 के अंदर। UPSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के साथ में कब जोड़ा गया,
यहाँ पर आपका इसके साथ में इसमें इंक्लूड किया गया 2002 कौन से पृथ्वी सम्मेलन के अंदर, रियो प्लस 10 का जो पृथ्वी सम्मेलन था जोहान्सबर्ग में, इस सम्मेलन में ये काम किया गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। कंफ्यूजन मत होना आपका, अब 2015 जा चुका है भाई, आपका 2015 जा चुका है। और अब आज की तारीख में जो बात होती है वो किसकी बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत बार भारत सरकार के अंदर जो भी अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह हुए हैं, तो हर प्राइम मिनिस्टर ने, आपने बहुत बार सुना होगा कि बार बार एक वर्ड काम में लिया जाता है उनके जो भी भाषण वगैरह होते हैं, सतत विकास, कि सभी का क्या होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। तो ये सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एनवायरनमेंट से लेके लोगों की गरीबी, भुखमरी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो वो क्या थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, और इसका जो टारगेट जो रखा गया है, अब मिलेनियम गोल की बात नहीं होती, अब किसकी बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, SDG 2030, ठीक है। इसी को एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जब कभी आपके सामने ऐसा कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि एजेंडा 2030 क्या है, तो एजेंडा 2030 यही है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2015 से 2030 तक एक फोकस किया गया है कि हमारे 2030 तक इन सब गोल को अचीव कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे बता ही दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कहाँ से उठी थी, 1992 के अंदर, ठीक है। और आज वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ किसकी बात होती है, SDG की बात होती है, सतत विकास की बात होती है, कि भाई सबका हर तरह से विकास हो, एनवायरनमेंट को और लोगों को बिना परेशानी के, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आपको। एजेंडा 2030 को हमारी आने वाली आगामी क्लासेज के अंदर बताएंगे कि आपका एजेंडा 2030 वाकई में क्या चीज़ है, ठीक है। सब कुछ है इसमें, गरीबी, भुखमरी, एजुकेशन, सब चीज़ें हैं कि सब में इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, बराबर बात है। तो अब इस तरह से हम यहाँ तक कहाँ पर पहुँच चुके हैं, 2002 तक पहुँच चुके हैं। अगर 2002 की हम यहाँ पर बात करें, तो अगर यहाँ पर आपने क्या बात की भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि यहाँ पर एक काम और भी हुआ, यहाँ पर WSSD का आयोजन किया गया है, यहाँ पर WSSD का आयोजन हुआ गया, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी, यही बोलेंगे हम, वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से तीन आयोजन किए गए थे, तीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके। पहली आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, वो किस नाम से जाना गया था, UNSAID के नाम से जाना गया था। आई थी ना बात यहाँ पर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, 1992 के अंदर। दूसरी जो आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके, वो कौन सी थी आपकी, Rio+10, जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला भाई, WSSD वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो दूसरी सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी वो 2002 की आपकी WSSD थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट था तो इसीलिए आपको ये बातें बताई है। तीसरी जब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो तीसरा अब देखिए अगला जो था, ठीक इसके 5 साल 10 साल, अब तीसरा क्या आ गया, आप बात करोगे यहां से, ठीक इसके 20 ईयर बाद, ठीक इसके 20 साल बाद, एक 20 साल बाद तो क्या हुआ 1972 के बाद 1992, इस 1992 के भी ठीक 20 साल बाद के अंदर जब हमने बात की यहां पर 2012 यानी 2012 के अंदर, इस 2012 के अंदर जो सम्मेलन का आयोजन हुआ उसको क्या नाम दिया गया, Rio+20 या Earth Summit 20, यही कहेंगे अपन, यानी कि Rio+20 बोल दे या Earth Summit 20 बोल दे, पृथ्वी सम्मेलन 20 बोल दे, तीनों का मतलब एक ही है यहां पर, ठीक है।
अब रियो जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका 2002 था, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपका रियो प्लस 20 भी हुआ यहाँ पे, सही बात है। तो देख सॉरी रियो प्लस 20 यानी 2012 का ये सम्मेलन हुआ था। अगेन देखिए बड़ा सम्मेलन थी बड़ी बातें थी, बड़ा सम्मेलन था बड़ी बातें थी, जहां से शुरुआत की थी हमने वहीं आ गए रियो डी जेनेरियो। यानी हमने यहां भी बोला था कि पहला जो पर्ची सम्मेलन 1992 का हुआ था वो भी कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ठीक है। और अगेन यहां भी किसकी बात कर रहे हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, यानी कि जहां से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पर आ गए वापस, वहीं से बातें की अपन ने, यहीं से स्टार्ट हुआ था पर्ची सम्मेलन 20 साल बाद हमने यहीं से बात की। हमने यहाँ से क्या बात करी कि हमने को ये देखना पड़ता कि अब तक जो सब कुछ हुआ है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कितना कामकाज हो चुका है, वो सब चीज़ों को डिस्कस किया गया कहाँ पर, रियो प्लस 20 के अंदर किया गया था, ठीक है। क्योंकि रियो प्लस 20 था, इस रियो प्लस 20 में एक बहुत अच्छा काम किया गया है, यहाँ पर इसने एक चीज़ लॉन्च की 2013 के अंदर, इसने 2013 के अंदर एक चीज़ लॉन्च की जिसको नाम से जाना गया पेज के नाम से। बहुत बार एनवायरमेंटल साइंस के पेज पेपर्स वगैरह के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई कि रियल में पेज का मतलब क्या है। पेज का अगर मतलब देखा जाए तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हुआ, दूसरी बात ये पेज लॉन्च किसके दौरान हुआ, रियो प्लस 20 के परिणाम स्वरूप इसको लॉन्च किया गया था पेज को, जो अब ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। तो आपने ये भी सुना होगा आजकल न्यूज़पेपर या बिजनेस टाइम्स वगैरह आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत बार ग्रीन इकोनॉमी का लिखा जाता है, ठीक है। हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी का यही है हरित अर्थव्यवस्था की, जो कुछ भी हो सब किसके लिए हो भाई, पर्यावरण के लिए, ये भाई हम हमारा विकास कर रहे हैं तो हमारे पर्यावरण का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन इकोनॉमी की बात करना शुरू कर गए यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस ग्रीन इकोनॉमी के अंतर्गत ही हुआ कि जो पेज को लॉन्च किया गया, जो भी इस पेज के जो मेंबर्स बने, जो भी इस पेज को फॉलो करेगा, वो कंट्री को आपको क्या करना रहेगा कि कुछ आपको एनवायरमेंट से जो रिलेटेड रूल्स वगैरह होते हैं उनको उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो पेज का एक बहुत बड़ा रोल है, पेज एक ऐसा हो गया कि आपके सामने की जो भी यूनाइटेड नेशन था आपकी, यूनाइटेड नेशन की जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेबर इंडस्ट्री ट्रेनिंग एंड रिसर्च, लेबर ट्रेनिंग रिसर्च और आपका इंडस्ट्री, इन सब से जुड़ी हुई जो भी यूनाइटेड नेशन की जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पार्ट थे उन सभी पार्ट को एक साथ रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका पेज करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव कराने के लिए कौन काम करता है, आपका भाई पेज करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी रियो प्लस 20 के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी रियो प्लस 20 के अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हमने नाम दिया यूएनसीएसडी। तो ध्यान रखना, पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस यूएनसीडी 1992, दूसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस क्या की 2002, और तीसरी जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की थी, यह थी आपकी यूएनसीडी। अपन पहले ही कह चुके हैं कि यूएनसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूएनसी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, किसके ऊपर, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म याद करना है, संभव है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो यूएनसीएसडी की बात कब की गई, रियो प्लस 20 के अंतर्गत बात की गई। तो एक तो पेज लॉन्च किया गया, इसी पेज ने किसकी बात की, ग्रीन इकोनॉमी की बात करी, यही एक आपके जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडस्ट्री लेबर वगैरह है, ट्रेनिंग रिसर्च प्रोग्राम है, उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका पेज करता है। तो मेरे ख्याल से ये कि आप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो भी आपके अर्थ समिट थे, पर्थी सम्मेलन थे, उन पर्थी सम्मेलन में कौन कौन से पर्थी सम्मेलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं यूपीएससी या ऑल इंडिया लेवल पर पेपर्स वगैरह में इनमें से एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी ये कंटेंट आपके सामने रखा गया है, ये सारा कंटेंट आपको एमसीक्यू के बेस पे तैयार किया गया कंटेंट है, जिससे कि सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके।
आगे की जो क्लासेज होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, एजेंडा 21 की बातें करेंगे कि वाकई में ये एजेंडा 21 अपने आप में है क्या चीज़ है। इस एजेंडा 21 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं अब तक की हमारी दो क्लासेज के अंदर, वो सभी हम आगे आने वाली क्लासेज के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का इतना ही रखते हैं हम। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।